तो है गाइस, कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग खेलने जा रहे द स्केरी अंकल। और इस गेम के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर एक अंकल है जो सबसे चिढ़ता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनसे चिढ़ता है, पक्षियों से चिढ़ता है, एनिमल से चिढ़ता है। तो इसे ही आज हम सबक सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं इस गेम के अंदर। ये देखो, एक चिकन लेकर आ रहा है इसको फ्राई करने के लिए। और ये अंदर जा चुका है, तो हमें इसके चिकन के साथ कुछ कुछ ढोल माल करना है। तो चलते उसके चिकन में, हमें यहाँ पर पता है बोन फायर में हमें क्रैकर्स लगाने हैं, यानी कि फायर रे लगा दिया हमने और इसको छुपा भी देते हैं। और अब हम भाग जाते हैं जल्दी से, क्योंकि वो आने वाला है। अब वो आ चुका है और अब उसका हम रिएक्शन देखते हैं। और ये तो आ चुका है और इसे लग रहा है कुछ तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, लाइटर तो चला। और का ऐसे तो को है, उड़ कर गिर चुका है। इसके सर में एक लकड़ी के बीच लग चुके है। और ये देखो, इसके सर पर घोंसला बना दिया है। और अब चलते सेकेंड लेवल की तरफ। और इस बार हमें एक गोरिला का बदला लेना है। और इस बार में हमें अपना बदला नहीं लेना है। और इसने गोरिला पाल रखा है और ये इस गोरिला को हर बार तंग करता रहता है। तो हमें अब इस गोरिला को फ्री करना है और इसको अच्छा सबक सिखाना है। यदि कोई गाइस यहाँ पर रखा है सिर तो गोरिला फ्री, और हमें गोरिला को जल्दी से फ्री कर देना है। और ये रहा गोरिला। और ये इसकी की हम इसके साथ मैंने खोल दिया और हम जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वो आने वाला है, वो अंकल आने वाले इसके अंकल। और अब आप रिएक्शन देखो उसका। और ये अब आ चुका है और ये देखो, और इसको पटक पटक मार दिया है गोरिल्ला ने। और इसके कपड़े निकाल दिए और क्या प्यारा सा साउंड म्यूजिक लगाया। तो फन राइड दी इंस्पेक्शन। और ये देखो, ये पूरा बच्चा बना पड़ा है यहाँ पर इस ट्रेन पर खेलता रहता है। और अब हमें इस ट्रेन के साथ ही कुछ गड़बड़ करनी है। तो चलते इस बार भी इस सबक सिखाने के लिए फाइंड द स्टिक करो कोई द ट्रेन। और यहाँ पर ही आ चुका है भाई, यहाँ से कहाँ पर चल रहे हैं जो पीछे ही हमारे ये। जल्दी से भागना होगा हमें यहाँ पर से। अरे यार, अभी छोड़ दे भाई। और बराबर स्पीड में भाग रहा है वो मेरे पीछे। और इससे तो मैं पीछा छोड़ा दूंगा। मुझे को कितना पागल है, पीछे रुक गया। चलते हैं हम इसके घर के अंदर। और ये कौन सा रास्ता है? मैंने तो इसे फट कर देखा। और यहाँ पर एक बार है और कुछ भी नहीं है। तो ऊपर चलते हैं सबसे पहले। और हमें इसकी ट्रेन को ढूंढना है। और वो मैंने देखा था कि वो ट्रेन घर के अंदर ही है, तो हमें घर के अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा। और वो भी अभी घर के अंदर ही घूम रहा है। और हमें यहाँ देखना पड़ेगा और हमारे पास पहले से है। और अब ऊपर चल कर उसकी ट्रेन देखते कहाँ पर है। ट्रैक इसका मोड़ जो है हमने, और ये इसकी ट्रेन पे
मेरे हिंट हिंट तो है ही मेरे पास। अरे रे, और ये रास्ते पर ना फ्रंट में पर है, और ये फ्रंट के लिए तो हमने ट्रेन के ब्रेक खराब कर दिए हैं। अरे देखो, नहीं नहीं बेटे का तो ये, और स्क्रू ड्राइवर से हम इसके ब्रेक खराब कर देते हैं। तो अब चलते हैं और इसका रिएक्शन देखते कि क्या रहता है इसका रिएक्शन। अब इसको आने दो बस, और ये घर के अंदर ही घूम रहा है। रिएक्शन लगा, यानी कि वो ट्रेन को चलाएगा तो इसको मजा आने वाला है। तो ये देखना आप बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए। और इसका रिएक्शन देखो आप गाइस, आप और ये देखो पूरा बच्चा, और ये देखो गिर चुका है ट्रेन से, और ये पूरा का पूरा एक फव्वारा बन चुका है, और इसके नाक में से पानी आ रहा है। ओके भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैंने इसको ज़्यादा ही तंग कर दिया। तो अब हम अपना बदला लेने वाले हैं शायद से, तो अंदर जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किसका बदला हम लेने वाले हैं। नहीं, अभी भी हम इस बर्ड्स का बदला लेने वाले, और इसने बर्ड्स को मार दिया, मार कर भगा दिया है। तो अभी हमें इसको सबक सिखाना है, बर्ड्स का बदला लेना है हमें यहाँ पर। फाइंड द एटवर्क इन द हैमॉक, यानी कि हमें किसी स्वीट चीज़ को अट्रैक्ट, यानी कि स्वीट चीज़ को अट्रैक्ट करना है। अब इसके घर के अंदर चलते हैं सबसे पहले, तो इसको भी उठा लेते। किचन का आप स्विच चीज, यानी कि शक्कर या फिर कुछ तो मिलने वाला है। और एक घर के अंदर ये, तो हम बाहर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं वो जगह देख लेता हूँ वो कहाँ पर है, बाद में हम बाद में देखते हैं कितना हमें कहाँ से कुछ लाना पड़ता है। और वो जगह तो यही पर थी गई, गाइस हमें शुगर मिल चुकी है। और जल्दी से हम चल कर इसके इस ये जो यहाँ पर बैठता है उस पर डाल देते हैं, और शुगर डाल दिए, और इसको छुपा भी दिया है। और अब हम भाग चलते हैं, और उसका रिएक्शन देखते हैं आने पर कि उसका रिएक्शन क्या होता है। अब इसको सबक मिलेगा, अब इसको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ है। और वो यहाँ पर ही नहीं आ रहा है ना, और हम बाहर चलते हैं जल्दी से, और उसका रिएक्शन देखते हैं। और वो भी बाहर पहुंच चुका है, और गाइस अब उसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग कर कि कब वो वहाँ पर जाता है। और गाइस वो वहाँ पर पहुंच चुका है, और इसका रिएक्शन देखो अब, और देखो मुंगे आ रहे हैं, और क्या प्यारा सा म्यूजिक लगाया हुआ है इसके पीछे। और ये देखो, और इसको हिलाकर गिरा दिया है नीचे। अबे भाई, अभी चीटियाँ लेकर जा रहे हैं उसको, और क्या कब्र कब्र में दफना दिया, क्या मार दिया क्या चीटियों ने। अरे देखो गाइस से मर चुका है। ओ भाई भाई, और अब हम अपना बदला लेने वाले हैं। फायर ऑन द हिम, यानी कि यहाँ पर वो
और ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वो गन दिखा कर देख रहा है, यहाँ पर गन दिखा रहा है सबको और हंस रहा है और बता रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ तुमसे। और इसने ये गन कैसे लॉकर के अंदर रख दिए, और लॉकर को लॉकर के अंदर रख कर ये बाहर चौक गए। तो गाइस आप हम इसके गन ढूंढने के लिए अंदर चलते हैं इसके घर के अंदर। तो हमें बाहर से अभी हैमर लेकर जाना होगा। मैंने देखा था तो ये यही पर हैमर है, रह रहा है हैमर गाइस। और इसको लेकर हम उसका लॉक तोड़ देते हैं, यानी कि उसका जो लॉक लगाया हुआ है वो हमने तोड़ दिया है। और इसको भी कैरी कर लेते हैं, अगर वो हमारे पीछे आएगा तो हम उसको और रास्ते के अंदर उसको डाल देंगे। और इस रूम कर चलते हैं और यहाँ से हम चलेंगे अब। और ये हम आ चुके हैं किचन के अंदर, और किचन में से मैंने अभी देखा है कि किचन में से वो वहाँ पर कुछ तो है, उसको लेकर हमें उसके वो वहाँ इस फ्रिज के अंदर जो ये क्या जूस की बोतल है उसका ढक्कन ले लेना है। और उसको अब हमें गन को ढूंढना है जल्दी से जल्दी, और गन को ढूंढने के लिए चलते हैं हम। और वो भी वो अंकल भी अभी यहाँ पर अंदर ही घूम रहे हैं, तो उनसे भी हमें बचना होगा वरना वो भी हमें दिक्कत दे सकते हैं। मैं बाहर से ऊपर चलते चलते से अब हमें, और वो अंकल भी ऊपर ही है, और यहाँ पर बाहर से भी एंट्री है ऊपर जाने के लिए। बस मेरे पास हैमर होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी एक लॉक लगा हुआ है और हमारे पास हैमर है। और यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक खरीद कर मैंने पी ली है और अब हमारे अंदर एनर्जी आ चुकी है। और मेरे पास शुक्र करो कि मेरे पास हैमर था वरना मुझे खरीदना पड़ता, और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। और देखो गाइस वो सामने घूम रहा है अपने, और यहाँ पर इस रूम के अंदर जाना सेफ तो नहीं होगा, तो मैं बाहर से अंदर एंट्री लेता हूँ। और वो जिम के अंदर जाकर ट्रेडमिल पर रन कर रहा है, और वो बाहर चुका है। नहीं यहाँ से जाना रिस्की होगा, तो हम वापस से पीछे चलकर यहाँ पर एक रास्ता है वहाँ से आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ से भी हम जिम के अंदर जा सकते हैं। तो ये देखो गाइस और यहाँ पर भी एक एंट्री है, और ये रहा जिम, वो अभी जिम से तो जा चुका है। और यहाँ पर आगे रास्ता भी नहीं है, तो मैं भी इसका वेट करता हूँ कि कभी ये नीचे जाता है। और ये नीचे अबे भाई यहाँ पर एक नहीं, और ये नीचे जाते हैं हम जल्दी से बाहर निकल कर उसके घर के अंदर ऑयल डालकर रीलोड कर देंगे और इस ढक्कन को भी लगा देंगे। तो ये अभी और ये अभी ऊपर ही घूम रहा है क्या, और ये चार्ज हो रहा है, और ये जा चुका है नीचे जा रहा है। तो जल्दी से हम चलते हैं अब उस रूम की तरफ। वो रूम कहाँ पर था वो भी मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके रूम रूम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, शायद से ही आगे तो नहीं है, शायद से यहाँ पर ही वो रूम था। और देखो गाइस यही पर है वो रूम, और देखो गाइस इस यहाँ पर इस दीवार पर इसका कोड है, मैंने पिछली बार देखा था 9437 इसका कोड है। तो यहाँ पर हम जल्दी से कोड डाल देते हैं। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए। और देखो गाइस और इसके गन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, और इसको रीलोड भी कर देते हैं इस गन को, और उस टक्कर को भी उठाकर उसके अंदर लगा देते हैं। और टक्कर लगा दिया है, और इसका लॉकर का गेट भी बंद यानी कि क्लोज कर यहाँ से हम निकल जाते हैं जल्दी से, क्योंकि वो अंकल अभी बाहर घूम रहे हैं। तो मेरे पास एक मौका है कि मैं जल्दी से बाहर जाऊँ और इसका रिएक्शन देखते हैं अब हम। और इसका रिएक्शन इस बार बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि क्योंकि हमने इसके इसके जो उसकी गन के अंदर खतरनाक से खतरनाक ऑयल और लेड़ कर कर रख दी है, और इसके अंदर हमने एक ढक्कन भी लगा दिया है जिसकी एक अगर बर्ड्स को दिखाकर फायर करेगा तो वो गन वहीं पर ही पड़ जाएगी, क्योंकि वो गोली पास नहीं कर पाएगी बुलेट पास नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए तो अभी मज़ा आने वाला है इसके रिएक्शन देखने के लिए। तो गाइस या कहीं पर आप जाओ
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं अभी ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ जल्दी जल्दी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और याद से बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। वो अंकल अभी उस रूम पर पहुँच चुके हैं, तो इसका रिएक्शन देखते हैं अब हम। और जो कोई आ चुका है नीचे और धीरे धीरे आगे जा रहा है, उत्सुक। कोई नहीं बोलेगा, अंकल जी आप गन तो चलाओ, आपको दिन में तारे दिख जाएंगे, दिन में तारे दिख जाएंगे। और ये हंस रहा है, बर्ड्स को निशान कर रहा है और गन इसके हाथ में फूट चुकी है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।